हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूं एक टॉपिक जो कि कोई अपडेट नहीं है या कोई अचानक से एमर्ज हुआ नहीं है, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट एसेसीज को परेशान कर रहा है, छोटे से लेके बड़े से बड़े तक। वो है रिवर्स चार्ज की एंट्री नंबर 6, जो हमारा रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है 13/2017। वो एंट्री नंबर 6 कवर करती है डायरेक्टर की सर्विसेज को। तो जो डायरेक्टर्स ने सर्विसेज दी टू द सेड कंपनी, यानी कि उस कंपनी को जिसमें कि वो डायरेक्टर है, वो कहता है कि उस पर रिवर्स चार्ज लगना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगना चाहिए जो उसने इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर दी, या उसके द्वारा दी गई हर सर्विस के ऊपर रिवर्स चार्ज लगना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग व्यूज़ हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेरी व्यू दूसरों से डिफर हो सकती है, और कल को हो सकता है कोई केस जाए कोर्ट में और जो मैं बोल रही हूँ उसके अगेंस्ट कुछ आ जाए या उसको फेवर करते हुए कुछ आ जाए, तो वो लॉ में हमेशा चांसेस हैं। इतना मैं ज़रूर करूँगी, येस या नो वाला आंसर मेरे पास नहीं है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैडम ये तो डिस्कशन हो गया, येस या नो, तो सर येस या नो का आंसर अभी किसी के भी पास नहीं है। तो यहाँ पे अब ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि डायरेक्टर की सर्विसेज को किस तरीके से RCM के अंदर कवर करना है कंपनी को। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए डायरेक्टर ने सिटिंग फीस चार्ज की अपनी मीटिंग्स के लिए, तो क्या उस पर RCM लगेगा? बिल्कुल लगेगा, वहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसको सैलरी मिली उसकी सर्विसेज के लिए, तो जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और उसके कारण कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, शेड्यूल 3 उसको बाहर करता है, टैक्सेबिलिटी नहीं है GST में, तो क्या RCM लेगा? RCM नहीं लेगा। अगला एक और एग्जाम्पल, एक और इंस्टेंस मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इंस्टेंस ये है कि मान लीजिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने अपना एक फ्लैट, जो उसका पर्सनल फ्लैट है, वो उसने रेंट पे दिया कंपनी को। अब रेंट पे दिया कंपनी को तो सर जो फ्लैट है अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया है तो वो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, क्या RCM लेगा? नहीं लेगा। ये एग्जाम्पल मैं कवर नहीं करती, बट इसलिए कवर कर रही हूँ कि कई बार हम सोचते हैं RCM है तो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर भी RCM, उस पर फिर नहीं लेगा, क्योंकि RCM का मतलब ये है कि जिस रेट पे सप्लायर टैक्स पे करता अगर वो करने के लिए लायबल होता तो उसी रेट पे आपको करना होता, तो अगर उसके लिए एग्जेम्प्ट है तो आपके लिए भी एग्जेम्प्ट है। ऐसा नहीं कि आपके लिए उस पर फिर अलग से टैक्स रेट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मान लीजिए डायरेक्टर की एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उस प्रोप्राइटरशिप फर्म से वो कुछ गुड्स देता है या कुछ सर्विसेज देता है, तो गुड्स तो कवर ही नहीं होंगी क्या? तो मान लीजिए उस प्रोप्राइटरशिप फर्म से वो कुछ सर्विसेज देता है, सबको देता है, और उसने क्या करे उस कंपनी को भी दे दी जिसमें वो डायरेक्टर है, तो क्या RCM लगेगा? अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो एंट्री कवर की गई है क्या वो पर्सन पे है या फिर वो सर्विस पे है। यहाँ पे आप देखिए कि जो RCM का नोटिफिकेशन है 13/2017, वो जब शुरू होता है तो वो शुरुआत में कहता है कि उन सर्विसेज की कैटेगरी नोटिफाई की जा रही है, यहाँ पे सर्विसेज को नोटिफाई किया जा रहा है, पर्सन को नोटिफाई नहीं किया जा रहा। लेकिन जब आप एंट्री नंबर 6 पे जाओगे तो उसने क्या नोटिफाई किया है? एंट्री नंबर 6 मेरी ये कहती है कि जो पर्सन डायरेक्टर है उसके द्वारा दी गई सारी सर्विस, तो डायरेक्टर नाम के पर्सन के द्वारा दी गई हर सर्विस नोटिफाइड है। तो भले सर्विस नोटिफाइड है लेकिन उस पर्सन की दी गई हर सर्विस को मैंने नोटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे ये जरूर जानना ज़रूरी है कि मैं अगर प्रोप्राइटर हूँ एज अ डायरेक्टर, तो क्या GST लॉ की नज़र में मेरी और मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म की, या एक इंसान जो डायरेक्टर है, क्या उसकी कोई अलग लीगल एंटिटी है वो? क्या उसकी कोई सेपरेट डिस्टिंक्शन आइडेंटिटी है? आई डोंट थिंक सो। भाई उसी डायरेक्टर की कोई फर्म होती है, उसकी कोई और कंपनी होती तो एक अलग बात होती है, उसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी है। बट मैं मान लीजिए शिफाली गिरधरवाल एंड कंपनी, मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, और मान लीजिए मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, तो क्या GST एक्ट के लिए मैं एज ए प्रोप्राइटर और मैं एज ए डायरेक्टर, क्या मैं अलग अलग इंसान हूँ? जब तक ऐसा नहीं है तब तक आपके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज पे बिल्कुल टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि GST वैसे भी पैन बेस्ड है, और प्रोप्राइटर का और जो पर्सन डायरेक्टर है उसका जो पैन है वो बिल्कुल सेम होगा, और जो आपकी प्रोप्राइटरशिप की इनकम है वो आपकी सेम ही पर्सन की रिटर्न के अंदर आप इनकम टैक्स में भी उसको फाइल करते होंगे। तो जब तक एक नया पैन पैदा नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह सकती कि दे आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन और टू पर्सन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जिनकी दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, तो यानी कि उस केस में भी आपको RCM उस पर पे करना पड़ेगा। कुछ केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि डायरेक्टर ने कंपनी की तरफ से कुछ पेमेंट किया और उसका रिम्बर्समेंट मिला, तो कुछ लोग कहते हैं इस पर भी RCM लगना चाहिए। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, और मेरे हिसाब से, मतलब इट्स वेरी पर्सनल व्यू, कि जहाँ पे आप रिम्बर्समेंट कर रहे हो कंपनी के किसी एक्सपेंस का, तो आप मान लीजिए कंपनी के किसी क्लाइंट को खाने पे लेके गए, वहाँ पे आपने अपना कार्ड यूज़ कर लिया, फिर कंपनी से रिम्बर्समेंट ले लिया, वो अपने आप में कोई सर्विस नहीं है, तो किसी भी चीज़ पे, चाहे फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स हो चाहे रिवर्स चार्ज का टैक्स हो, कोई भी टैक्स लगने के लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि वो सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हुई नहीं है उसकी तरफ से, तो फिर उस पर टैक्स लगने का कोई मतलब पैदा ही नहीं होता, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था डायरेक्टर की सर्विसेज के लिए। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल ये बताने की कोशिश भी कर रही हूँ कि आप में से कई बार छोटी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है,
तो आप अगर ऑडिट कर रहे हो या आप वहाँ का जीएसटी कंप्लायंस हैंडल कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय भी कर रहे हो, तो प्लीज़ कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं कुछ भी है, तो उन सबको एक बार आप प्लीज़ स्कैन कीजिए और देखिए कि उनमें से किसी में कहीं आरसीएम की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी। तो इसके लिए जो पूरी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो डायरेक्टर को जितना ही पेमेंट किया कंपनी ने, मतलब मैं ही सजेस्ट करूँगी कि उस पूरी बैंक स्टेटमेंट को उठाओ और उसमें सारे पेमेंट देखो कि जो सैलरी का है ठीक है हट गया, और उसके अलावा जो बाकी पेमेंट है देखिए, अगर वो किसी सर्विस के लिए तो आप वहाँ पे आरसीएम पे करने के लिए लाइबल है। और यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, वो ये भी है कि क्योंकि डायरेक्टर और कंपनी रिलेटेड पर्सन है, तो अगर डायरेक्टर ने कोई सर्विस दी लेकिन उसके लिए उसने चार्ज भी नहीं किया, अब यहाँ पे सोचो फाइनेंशियल्स देखने का भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स में तो वो रिकॉर्ड होगा ना जिसके लिए पेमेंट हो, इन्वॉइस खड़ा किया गया, जिसके लिए इन्वॉइसिंग ही नहीं हुई तो वो तो कहीं पे फाइनेंशियल्स में कवर भी नहीं किया गया होगा। तो यहाँ पे आपको फिर उनके बीच की जो ट्रांजेक्शन है उसको समझने के लिए जो डिस्क्लोजर्स हैं उनकी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो डिस्क्लोजर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर ने बैंक गारंटी दी है, तो आपको उन डिस्क्लोजर्स में से देखना पड़ेगा, जो डायरेक्टर के डिस्क्लोजर्स है वो आपको रीड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उल्टा उसकी एक नोशनल वैल्यू निकाल के आपको हो सकता है कि वो हमारे शेड्यूल वन के अंदर कवर हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर वहाँ पे कवर हो रहा है, तो आपको उसको उल्टा वैल्यूएशन के रूल्स के हिसाब से खुद निकालना पड़े और आरसीएम भी चार्ज करना पड़े ऊपर से। सो विद दिस डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। अगर आपका कोई ऐसा इशू है इस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट में क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मुझे पता है इस पर क्वेश्चन बहुत कम आएंगे क्योंकि काफ़ी कम लोग इससे कंसर्न होंगे। एंड अगेन आई विल से कंसल्टीज विद क्लियरटेक्स। सो आप अपने कंप्लाइंसेज के लिए या एज ए कंसल्टेंट अपनी क्लाइंट्स के कंप्लाइंसेज के लिए क्लियरटेक्स को यूज़ कर सकते हैं, उनका फ्री ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं, उनका फ्री ट्रायल लेके देख सकते हैं, और अगर वो आपके लिए यूजफुल है तो आप उनका पेड वर्जन ले सकते हैं। सो विद दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।